पात्राचौल जमीन घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने राउत के घर से 11,05,000 रुपए की नकदी भी बरामद की थी। इस मामले में अप्रैल में संजय राउत की पत्नी वर्षा और उनके करीबियों की 11,15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी और अब संजय राउत को ईडी ने 5 दिन की कस्टडी में ले लिया है। लेकिन संजय राउत की इसी गिरफ्तारी पर मुंबई की जनता गरमाई हुई है। देखिए, लोगों ने संजय राउत की गिरफ्तारी और ईडी की हरकतों पर क्या कहा है। मुंबई आर्थिक बाजू में वर्ल्ड में 14 क्रमांक में आता है और ये केंद्र सरकार का ये है कि महाराष्ट्र को ये मुंबई से कैसा निकलना जाए कि इधर जो आर्थिक व्यवस्था है इनको झुरो में कैसा लाना चाहिए, ये केंद्र सरकार का है। लोगों का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि आजकल ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी विपक्ष सरकार के खिलाफ बोलती है तो ईडी और सीबीआई को भेजकर उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। तो उनके पीछे जो है लोग आरएसएस संगठन है, बजरंग दल है, उनके पीछे जो रह के जो कमांड का काम कर रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब अपने देश का ही गौरव है, उसके इसलिए मैं नरेंद्र मोदी बोल सकता हूँ और अपना संरक्षण मंत्री अपना अमित शाह, ये दो जन ऐसा काम कर रहे हैं, घिनौना काम, कि ईडी को पूरे तरीके से उसको गैरवापर करके वो अपना महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।